है, क्या है हमारा द लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर? तो लार्जेस्ट जो टू डिजिट नंबर है वो क्या है? 99। क्या है? 99। फिर है द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर, द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर। अब पूछा उसने थ्री स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है कितने डिजिट का? थ्री डिजिट का। द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर तो कौन सा आ जाएगा? 100। क्या लिखेंगे हम? 100। फिर है इसमें द लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर। अब पूछा उसने, यहाँ स्मॉलेस्ट आ गया, अब यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर पूछा है थ्री डिजिट का, है ना? लार्जेस्ट नंबर पूछा है थ्री डिजिट का, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 999। 999। दादा दादा अब कर, दादा 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 चल लाइट दादा को ऑफ करो बेटा। दादा राइट द इवन भाई नंबर बिटवीन, राइट द इवन नंबर बिटवीन 511 टू 525। इवन नंबर बताना है आपको। इवन नंबर का मतलब होता है जिनमें पेयर्स बनते हैं वो ये इवन नंबर होते हैं, या अगर टू तो डिजिट की जो टेबल होती है उसमें जो नंबर्स आते हैं वही इवन नंबर होते हैं। अब देखो इसमें जैसे 511 है, 511 है तो 511 के बाद में इवन नंबर कौन सा आएगा? 511 के बाद में इवन नंबर कौन सा आएगा? क्योंकि ये नंबर हमारा क्या है? ओड नंबर है। कौन सा नंबर है? ओड नंबर है। तो इसके बाद में जो इवन नंबर है, इवन नंबर है वो क्या आएगा? 512। क्या आएगा? 512। यानी 511 के बाद में जो इवन नंबर है वो कौन सा है? 512। अब 12 के बाद में यहाँ लिखा जैसे 513, तो ये हमारा क्या है? ओड नंबर है। कौन सा नंबर है? ओड नंबर है। उसके बाद में 514, ये वापस क्या आ गया? इवन नंबर। अब देखो कैसे निकालते हैं, इन सब डिजिट को नहीं देखना है आपको, सिर्फ फर्स्ट डिजिट को देखना है कि वो टू की टेबल में वो नंबर आ रहा है क्या, वंस वाला ओनली। तो यहाँ टू है इसका मतलब ये इवन नंबर है ना? और ये क्या है? थ्री आ गया, इसका मतलब ये हमारा ओड नंबर है। और यहाँ पे ये क्या आ गया? इवन नंबर। अब वापस देखो नेक्स्ट, इसमें 515 है, 515 है। तो अब देखो इस नंबर को अगर हम देखते हैं तो ये क्या है? फाइव है। ये टू की टेबल में आ रहा है? नहीं आता है। और इसके पेयर है वो भी नहीं बन रहे हैं, तो ये हमारा कौन सा नंबर हो गया? ओड नंबर। कौन सा नंबर हुआ? ओड नंबर। फिर है राइट द ओड नंबर बिटवीन 642 665। अब उसमें आपको 640 से लेकर और 665 तक नंबर लिखने हैं। उसके बाद में उन नंबरों में से आपको जो ओड नंबर है उनको आपको क्या करना है? सिलेक्ट करना है, उस पे राउंड लगाना है, ठीक है? इवन और ऑड नंबर निकालने के लिए क्या करना है आपको? ये फर्स्ट नंबर है ना, इसको देखना है ओनली। अब ये देखो टू की टेबल में आ रहा है, इवन नंबर है। ये थ्री नहीं आता टू की टेबल में, तो ये ऑड नंबर है। उसके बाद में ये इवन और ये ऑड, चाहे कोई भी नंबर ले लो आप, 645 बस ये लिखा हमने, या 782 है। अब इसमें से आपको इवन नंबर और ऑड नंबर बताने हैं, तो कैसे बताओगे? इस नंबर को देखो बस आप, तो ये नंबर यहाँ पे क्या है? थ्री है, तो इसका मतलब ये टू की टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब ये नंबर कौन सा हो गया? हमारा ऑड नंबर हो गया। और ये कौन सा हो गया? इवन नंबर हो गया, ठीक है बेटा? ये ऐसे आपको सिलेक्ट करने हैं इवन एंड ऑड नंबर। फिर क्वेश्चन कौन सा है? सिक्स वाला क्वेश्चन देखो, राइट द नंबर जस्ट बिफोर एंड आफ्टर फॉर द फॉलोइंग। आपको आफ्टर और बिफोर नंबर बताने हैं, आफ्टर नंबर और बिफोर नंबर। अब देखो यहाँ पे लिखा हमने बिफोर, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हमने आफ्टर। अब नंबर कौन सा है हमारा? 300 है ना? अब इसी नंबर का हमें कौन सा नंबर बताना है? बिफोर नंबर बताना है। इसी नंबर का क्या बताना है हमें? आफ्टर नंबर बताना है। तो बिफोर नंबर में क्या करेंगे? वन माइनस कर देंगे, तो
तो यहाँ आ गया हमारा 299। क्या आया 299। अब इसका बिफोर, अगर इसका आफ्टर पूछा तो क्या कर देंगे, उसमें वन डिजिट को प्लस कर देंगे, ठीक है। और यहाँ बिफोर पूछा तो इसी नंबर में से क्या कर देंगे, हम वन डिजिट को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको प्लस किया तो क्या आ गया 301। क्या आया 301। अब जैसे यहाँ पे बताना है 432 है, अब इसी का इस नंबर का ही हमें आफ्टर बताना है, इसी का क्या बताना है, बिफोर बताना है। आफ्टर नंबर क्या आएगा, इसका बिफोर नंबर क्या आएगा, बिफोर का मतलब पहले, तो यहाँ पे वन हमने माइनस किया तो 431 आ गया, और यही पे वन हमने प्लस कर दिया, इस नंबर हमें हमने वन प्लस कर दिया तो क्या आएगा 433। ठीक है बेटा, 6000 तक रिविजन हो गया। अब आगे आप करो इसमें एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 7 में शॉर्ट फॉर्म लिखनी है, क्वेश्चन नंबर सेवन देखो एक्सरसाइज में। शॉर्ट फॉर्म कौन सी फॉर्म बतानी है हमें, शॉर्ट फॉर्म बतानी है, तो कैसे लिखेंगे, इसमें लिखा है 355, ठीक है। अब इनकी शॉर्ट फॉर्म कैसे करेंगे, यानी इन नंबरों को हमें ऐड करना है, क्या करना है, एडिशन करना है इनका। तो यहाँ पे 5 का 5 आ गया, फिर 5 आ गया, उसके बाद में 3 आ गया, तो हमारा नंबर क्या आया 355। तो ये कौन सा हो गया हमारा, शॉर्ट फॉर्म हो गई, किसकी फॉर्म हो गई, शॉर्ट फॉर्म हो गई, क्वेश्चन नंबर 7 है ये, एक्सरसाइज 1.1 में। फिर 568, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे, 568, 749 बोला हमने, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 749। ये कौन सी फॉर्म हो गई, शॉर्ट फॉर्म। और इनको जब हम ओपन करके लिखते हैं, यानी इन नंबरों को अगर हम खोल के लिखते हैं, तो वो हमारी कौन सी फॉर्म हो जाएगी, एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, उसको हमने कौन सी फॉर्म में लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में। फिर आई राइट ऑल द 3 डिजिट नंबर यूजिंग द नंबर। अब इस 8 वाले क्वेश्चन में जैसे डिजिट दे रखी है आपको, 8 वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डिजिट दे रखी है आपको, जैसे 4, 5 और 8। अब इन नंबरों से आपको क्या बनाने हैं, नए नंबर बनाने हैं, है ना, क्या बनाने हैं, इन डिजिट का यूज करके आपको नए नंबर बनाने हैं। तो कैसे बनाओगे, जैसे 854, ठीक है, ये नंबर आने चाहिए आपके, उसके बाद में 548 हो जाएगा, फिर है 458। ऐसे इनको आपको क्या बनाने हैं, नए नंबर बनाने हैं। अब हमारी एक्सरसाइज 1.2 का रिविजन करेंगे, तो उसमें क्या है, हमारे एडिशन है ना, जो आप लोगों को सबको आते हैं एडिशन। फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपको किसमें क्या करना है, एडिशन करने हैं। एक्सरसाइज 1.2 एंड 1.3, 1.2 में क्या है, एडिशन है, एंड 1.3 में क्या है, आपके सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। अब देखो इसमें एडिशन में अरेंज वाले देखो बस, आप यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा अरेंज, अरेंज का मतलब जो नंबर है उनको आपको क्या करना है, सेट करना है, कॉलम में लिखे हुए हैं, फिर इनको क्या करना है, आपको एड करना है।
ठीक है, अब देखो 160 दे रखा है प्लस 565, अब इनको क्या करना है, अरेंज करके फिर उनको क्या करना है आपको, एडिशन करना है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 160 आ गया, उसके बाद क्या कर देंगे हम 560 को राइट कर देंगे, उसके बाद इनको क्या कर देंगे एडिशन। अगर आपके पास ऐसे लिखे नंबर आए और आपको अरेंज करना है तो आपको सबसे पहले जो ये जो रो है हमारी राइट साइड की रो है उसको क्या करना है एकदम राइट मतलब सीधा रखना है इसको, ठीक है। अब जीरो का जीरो, सिक्स और सिक्स कितने हो गए 12, फिर 12 का टू और यहाँ पे वन, तो 516 हो गए, उसके बाद में 7, इसका नंबर क्या आ गया हमारा 720। तो ऐसे इनको अरेंज करके देखो, तीन बी वाला देखो, इसमें 3 डिजिट दे रखी है, बी वाले में क्या दे रखी है 3 डिजिट है, देखो फिर क्या है हमारा 65 है। अब देखो सबसे पहले ये नंबर लिखेंगे हम 260, उसके बाद क्या लिखेंगे ये नंबर, यानी ये नंबर आपको यहाँ नहीं लिखने हैं, ये आपकी जो रो है उसको क्या करना है आपको पूरी सीधी रखना एकदम ना स्ट्रेट रखना है उसको, उसके बाद यहाँ 65, फिर उनको आपको ऐड करना है। इन नंबरों को अगर आप यहाँ लिखोगे तो आपका जो एडिशन है वो रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आपको जो ये रो है इसको क्या करना है स्ट्रेट रखना है एकदम से। तो 5, 8 और 5 कितनी हो गई 13 लिखा, उसके बाद में यहाँ पे 5, 6 और इसमें जोड़ा तो 6 कितने हो गए 12 हो गए, और 6 और 12 और 6 क्या हो गए 18 हो गए, उसके बाद यहाँ पे 1 और ये 3, तो इसका नंबर क्या आ गया हमारा 383। ठीक है, आपको ऐसे ही इनको एडिशन करना है। फिर इसके वर्ड प्रॉब्लम देखो, देर आर 245 स्मॉल बीट्स है एंड 155 बिग बीट्स है इन ए नेकलेस, हाउ मेनी बीट्स आर देयर इन एलिगेटर, यानी एक जो आपके पास स्मॉल कितने बीट्स है 245 है और जो बिग है वो कितने हैं 155 है, ठीक है, उनको फिर क्या करना है आपको ऐड करना है। 1.3 में ओनली क्या है सब्ट्रैक्ट है, तो आप लोग कर लेना बेटा। अब एक्सरसाइज 1.4, 1.3 में क्या है सब्ट्रैक्शन है, जो आप लोग आप कर लेना बेटा, इसको अरेंज करके ऐसे ही एडिशन किए वैसे ही उनको अरेंज करके आपको करना है। अब एक्सरसाइज 1.4, 1.4 का रिवीजन करेंगे। ये क्या दे रखा है ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है ट्रायंगल, उसके आपको साइड बतानी है और कॉर्नर बताने हैं। तो इसकी साइड कितनी है 1, 2, 3, 3 साइड है, और इसके कॉर्नर कितने हैं 1, 2 एंड 3, 3 क्या इसके कॉर्नर है। ये क्या है हमारा स्क्वायर, क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर की कितनी साइड हो गई 1, 2, 3, 4, तो कितनी साइड हो गई इसमें 4, तो यहाँ क्या लिखेंगे 4, उसके बाद उसने कॉर्नर पूछा है तो कॉर्नर कितने इसके 1, 2, 3, 4, कॉर्नर भी कितने इसके 4 है, तो यहाँ पे हमने लिखा 4। सी में क्या है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की कितनी साइड है 1, 2, 3, 4, तो कितनी साइड होगी रेक्टेंगल के, यानी 4 साइड होगी, और कॉर्नर कितने हो गए, कॉर्नर भी कितने हो गए इसके 1, 2, 3 एंड 4। डी में क्या है अपना सर्कल है, इसके क्या है नो साइड एंड नो कॉर्नर, ना इसके कॉर्नर है ना इसके साइड है, तो सर्कल के लिए क्या आएगा ए सर्कल हैज नो साइड एंड नो कॉर्नर, एक सर्कल के ना तो साइड होती है ना होते हैं उसके कॉर्नर।
अब आपको एक पिक्चर दे रखी होंगी, तो उसमें आपको उसकी शेप देख के बताना है कि वो रेक्टेंगल है, सर्कल है ना, स्क्वायर है, ये वाले, ठीक है। अब एक्सरसाइज है 1.5, एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 में क्या है, राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, जो टेबल्स आती है उसके आपको क्या बनाने हैं, प्रोडक्ट बनाने हैं, राइट द तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आपको ओनली क्या बोलनी है, टेबल्स बोलनी है। 5 की टेबल हम कितनी बार बोलेंगे, 3 बार, तो कितना आ गया हमारा 15, क्या आया 15। फिर बी में देखो 8 × 2, यानी 2 की टेबल को 8 बार रीड करेंगे तो क्या आ गया 16। सी में 4×10, यानी 10 की टेबल को 4 बार रीड करा तो क्या आ गया अपना 40। 8×7, तो 7 की टेबल को 8 बार बोला तो कितना आया 56 आ गया, क्या आ गया 56 आया। तो यानी मैंने आपको जो टेबल्स है वो कितनी दी थी, 2 से लेकर जो 12 तक टेबल है वो आपको लर्न करनी थी, ठीक है। तो उसमें आपको 5 की टेबल हमने 9 बार बोली तो 45 आ गया, 10 की टेबल को हम 10 बार बोलेंगे तो 10 जो कितने हो गए 100। लिखो अपनी नोटबुक में इनको साथ में, एट मल्टीपल 5 तो क्या आ गया 40, 9×4 तो 4 की टेबल को 9 बार बोलेंगे या 9 की टेबल को 4 बार बोलेंगे, क्या आएगा अपना 36 आएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग, यानी आपको एडिशन करने, सेकंड क्वेश्चन में देखो, ये जो भी लिखवा रही हूँ आपको अपनी नोटबुक में राइट करने, जिनका रिवीजन करा रही हूँ वो वाले सारे, क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो जैसे लिखा है इसमें 2+2+2, यानी जो 2 है वो कितनी बार राइट किया गया है, 1, 2, 3, 4 and 5, तो कितनी बार राइट किया मैंने इसको 5 बार, तो यहाँ हमने आगे इसका 5 किसको राइट किया है 5 बार, यानी 2 को राइट किया है, तो यहाँ लिखा हमने 2। अब इनको क्या कर देंगे मल्टीपल, तो कितना आ गया हमारा, यानी 2 की टेबल को 5 बार बोला तो कितना आया 10 आ गया। अगर इनको एडिशन करते हैं अगर इनका, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, इसका 10 ही आंसर आएगा। 5+5+5, ठीक है, कितनी बार लिखा गया हमने 5 को, कितनी बार राइट किया है 1, 2, 3, 4, यानी कितनी बार राइट किया 4 बार, किसको राइट किया 4 बार 5 को, तो यहाँ आ गया मल्टीपल 5। अब इनको टेबल बोलेंगे तो क्या आ गया अपना 20। अगर इनको एडिशन करते हैं तभी हमारा आंसर क्या आएगा, इसका 20 ही आंसर आएगा। अभी आपको जो मल्टीपल है वो तो आपको आते हैं बेटा, अब क्वेश्चन नंबर इसमें 4 वाला देखो, 50 persons can be sitting in a bus. एक बस में कितने person बैठे हैं 50. How many persons can sit in 9 buses? जो 9 बस है उसके अंदर कितने person बैठेंगे? तो आप इनको क्या कर दोगे? Multiple कर दोगे, ठीक है। अब exercise है 1.6. Exercise 1.6 को एक बार अच्छे से समझो बेटा। Repeated subtraction. Repeated से उससे क्या करना आपको? डिवाइड करना है। 1.6 में देखो, सोल्व द डिवीजन प्रॉब्लम्स यूजिंग
रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से आपको गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग डिवीजन है उनको सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 1.6 में क्वेश्चन नंबर 1 का देखो, ये आधे से ज्यादा दिन बच्चों की नोटबुक चेक की थी, उनका सबका रॉन्ग था। ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ठीक है, आपको डिवीजन करने हैं, करने क्या है आपको डिवीजन, क्या करना आपको डिवीजन करना है, लेकिन वो मेथड कौन सा लगाओगे आप लोगों ने पता है क्या करा है? जैसे यहाँ 45 लिखा है, डिवाइड बाय 9 था, इसको आपने डिवाइड किया तो कैसे किया आपने, सीधा 5 लिख दिया। ये बेटा सीधा 5 नहीं आएगा, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला जो मेथड है वो यूज करना है। वो मेथड कौन सा है, सब्ट्रैक्शन मेथड, यानी इसको जो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड हो जाएगा, यानी आपको बार बार में रिपीट करना है किसको, सब्ट्रैक्शन को। एक बार अच्छे से समझो इसको वापस, जैसे 45 है ना, तो डिवाइड हमें किससे करना है, 9 से करना है, तो इसमें क्या करेंगे, 45 में से हम किसको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना लिखा ना क्वेश्चन में, तो यहाँ पे 9 को सब्ट्रैक्शन कर देंगे हम इसको, तो 15 में से 9 गया, क्योंकि 5 में से 9 जाएगा नहीं, तो 15 में से 9 गया, तो कितना रह गया अपना, यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पे 3, यानी 36 आ गया, यानी हमने जो सब्ट्रैक्शन है वो कितने टाइम किया, 1 टाइम, ठीक है। अब क्या करा इसमें, अब उस 36 में से हमें वापस से 9 को क्या करना है, माइनस करना है, वापस क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे यानी सब्ट्रैक्शन करेंगे, यानी 6 में से 9 जाएगा नहीं, तो ये क्या बन जाएगा अपना 16 और ये क्या बन गया अपना 2, तो 16 में से 9 गए तो यहाँ पे क्या आ गया अपना 17, क्या आया 7 और यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। कितने फर्स्ट बार हो गया, अब सेकेंड टाइम हो गया, क्या हो गया, सेकेंड टाइम हमने इसको सब्ट्रैक्शन कर, अब हमारा हमारा आंसर क्या है, 27। अब उस 27 में से हम फिर क्या करेंगे, 9 को माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, 7 में से 9 जाएगा नहीं, तो ये क्या बन गया 17 और ये हमारा आ गया 1, तो यहाँ 17 में से 8 9 जाएगा तो क्या रह गया 8 और ये हो गया 1, तो हमने कौन से नंबर पे सब्ट्रैक्शन किया इसको, ये 1 टाइम, 2 टाइम, अब ये क्या हो गया 3 टाइम, ठीक है, 3 टाइम हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया, 18 आ गया। अब उस 18 में से फिर उस 9 को क्या कर देंगे, वापस से क्या करेंगे, उसका सब्ट्रैक्शन करेंगे, यानी 18 में से 9 गया तो क्या आ गया अपना 9 आ गया, तो कौन सी टाइम हो गया, 4 टाइम, 4 टाइम कर दिया, उसके बाद में 9 बच गया। अब 9 में से हमने वापस 9 को माइनस कर दिया, तो 9 में से 9 को क्या किया, तो 0 आ गया, तो ये कौन सी टाइम हो गया अपना, 5 टाइम, ठीक है। तो हमने कितनी बार सब्ट्रैक्शन किया इसको, 1, 2, 3, 4 and 5, तो इसका आंसर यहाँ पे 5 ऐसे लिखना है, ना कि डायरेक्ट 5 लिखना है आपको, इसका मेथड है वो यू वाला यूज करना आपको, यानी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, ठीक है बेटा। अब इसके अंदर आपको Use the multiplication table and solve the division problem. अब second वाले question में आपको multiple जो tables है उनका use करके ही क्या करना है, जो division है उसको करना है। second वाले question में ये method नहीं लगाना है, उसमें आपको जो tables है वही बोल के आपको उसको division, उनका division है उनको solve करना है आपको, में क्या करना है, सेट द फ्रैक्शन सो बाय द शेडेड पार्ट, आपको जो 1.7 में जो पार्ट है, शेडेड पार्ट है, उनको हमें क्या करना है, इनका फ्रैक्शन बनाना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इसमें क्या है, कलर है ना,
तो यहाँ पे हमारा जो पूरा होल कितना है, टू पूरा होल है, उसके हमने पार्ट कितने किए, टू पार्ट कर दिए, तो टोटल कितना है अपना, टू पार्ट है ना। और जो कलर शेडेड पार्ट है वो कौन सा है, वन है। तो ये हमारा जो फ्रैक्शन है वो बन गया। बी में देखो, यहाँ पे वन टू थ्री फोर पार्ट कितने अपने, टोटल फोर पार्ट है। पार्ट कितने टोटल, पूरे होल में कितने पार्ट है, फोर है, ठीक है। अब इसमें जो कलर पार्ट है वो कितना है हमारा, वन है। कितना है, वन है, तो यहाँ पे आ गया वन। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बना, वन अपन फोर, वन अपन फोर। अब जैसे पूरा है तो इसके कितने पार्ट कर दिए हमने, वन टू, यानी थ्री पार्ट हो गए, वन टू थ्री। तो यहाँ हमने लिखा थ्री, टोटल पार्ट कितने अपने, थ्री। कलर कितने में है, वन वाले में कलर है, तो ये क्या बन गया फ्रैक्शन हमारा, वन अपॉन थ्री। इस वाली एक्सरसाइज में यही है बेटा। फिर है मेजरमेंट, वी मेजर लेंथ इन द मीटर्स एंड सेंटीमीटर। मीटर इन मीटर इज, जो मीटर है उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, एम है, इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, इज ए मेट्रिक सिस्टम। स्मॉल लेंथ आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर। जो स्मॉल लेंथ है उसको सेंटीमीटर में करेंगे, और जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसको किस में करेंगे, मीटर में। बी मेजर वेट इन द ग्राम एंड किलोग्राम। किलोग्राम इज द स्टैंडर्ड यूनिट वेट इन द मेट्रिक सिस्टम। जो किलोग्राम है वो क्या है हमारी, स्टैंडर्ड यूनिट है किसमें, मेट्रिक सिस्टम में। टू वेट लाइटर ऑब्जेक्ट, जो लाइटर यानी छोटा जो वेट है, हल्की जो चीजें होती है, बी यूज ग्राम, तो उसका यूज किसमें करेंगे हम, ग्राम में, ठीक है। वन किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000। वन मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, ठीक है। उसके बाद में द मेजर कैपेसिटी इन मिलीलीटर एंड लीटर। जो लिक्विड चीज होती है उसको हम किसमें, उसका मेजर करेंगे, मीटर एंड लीटर्स में, ठीक है। तो स्टैंडर्ड यूनिट हमारी लीटर है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द कैपेसिटी इन मेट्रिक सिस्टम, तो क्या हो गया हमारा, लीटर हो गया। द स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपेसिटी, और जो स्मॉल चीज है लिक्विड में, जो मिल्क है ना, वाटर है, ऑयल है, इनका किसमें करेंगे मेजर हम, किसका करेंगे, मिलीलीटर में, है ना। तो इसकी जो स्मॉल अमाउंट है उसको क्या कहेंगे हम, मिलीलीटर, और जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसको क्या कहेंगे हम, लीटर। यानी वन लीटर में कितने हो गए, 1000 मिलीलीटर। ठीक है, इसमें आपको फर्स्ट 1.8 में जो क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, वो आपको इसमें आपको जो वर्ड दे दिए गए हैं उसमें आपको देखना है द लेंथ ऑफ द टेबल। आपकी जो टेबल की जो लेंथ है वो मीटर में आएगी कि सेंटीमीटर में आएगी, वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। राइट द सेंटीमीटर ऑफ वन हैज बीन डन फॉर यू। तो रिवीजन किसका करेंगे हम, 1.8 में क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो आप, क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी 2 मीटर में जो सेंटीमीटर है वो कितने होंगे वो बताने हैं। 2 मीटर में सेंटीमीटर कितने होंगे, यानी 1 मीटर में सेंटीमीटर कितना था, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर बताया है मैंने, 100। 1 मीटर में क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। अब हमें कितने का बताना है, 200 का। तो यहाँ लिखा हमने 2 मीटर, 100 से क्या करना है, इसको मल्टीपल करना है। 2 को किससे मल्टीपल कर देंगे, 100 से। तो यहाँ क्या आ गया अपना, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ 200 हो गया, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम 200 सेंटीमीटर। 3 मीटर, अब 3 मीटर में बताना है सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 100 हो गए, तो 3 को और 100 को हम मल्टीपल कर देंगे। 3 को 100 को क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा अपना, 300। क्या आ गया, 300। अब एक इसमें देखो, ये दे रखा है डी में, देखो 2 मीटर भी ले रखा है, आगे क्या है, 30 सेंटीमीटर भी है, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करना है हमें
सेंटीमीटर में। तो क्या करेंगे, पहले 1 मीटर में कितना आ गया अपना 100 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब 230 का बताना है, तो 2 मीटर प्लस 30 सेंटीमीटर है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको 2 को मल्टीपल कर देंगे 100 से, कर दिया हमने। उसके बाद में जो हमारा आगे जो 30 है उसको हम ऐड कर देंगे, है ना। अब इसको हमने मल्टीपल किया तो क्या आ गया अपना 200, क्या आ गया 200 आ गया। आगे हमारे पास नंबर क्या रह गया 30, तो उसको हम क्या कर देंगे आगे एडिशन कर देंगे इनका, तो ये क्या आ गया 230 सेंटीमीटर। अब इसमें एक्सरसाइज 1.5 में क्या करना है आपको, 1.9 में जो क्लॉक दे रखी है उसका आपको टाइम बताना है ना। इसमें क्या दे रखे हैं, शॉर्ट हैंड लगा रखा है एंड लॉन्ग हैंड, तो उसको देख के आपको क्या करना है, आपको जो टाइम है वो शो करना है अपनी। यहाँ पे देखो ये वॉच दे रखी है, उसमें आपको क्या करना है, जो टाइम है वो शो करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 वाला देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 3, विच डेट कम्स आफ्टर ट्यूसडे, विच डे कम्स आफ्टर ट्यूसडे, कौन सा डे है ट्यूसडे के बाद में, कौन सा डे आएगा आफ्टर पूछा है तो क्या आ जाएगा वेनसडे। उसके बाद है विच डे कम्स बिफोर संडे, संडे है वो किससे पहले आता है, तो संडे किससे पहले आएगा सैटरडे से पहले। फिर विच मंथ कम्स आफ्टर जून, आफ्टर का मतलब बाद में, तो जून के बाद में क्या आता है जुलाई। विच मंथ कम्स बिफोर अक्टूबर, जो अक्टूबर है वो किससे पहले आता है, अब सितंबर चल रहा है अपना, तो सितंबर के बाद में क्या आएगा अक्टूबर, यानी बिफोर यानी उससे पहले क्या है। विच मंथ हैज एग्जैक्टली 28 डेज इन द ऑर्डिनरी ईयर, ऐसा कौन सा मंथ है उसमें एग्जैक्टली 28 डेज होते हैं, तो कौन सा आता है अपना फरवरी, है ना। फरवरी में अपने क्या होते हैं 28 डेज होते हैं। अब एक्सरसाइज 1.10 में क्या है, जो आपके जो इसमें रुपीस दे रखे हैं उनको क्या करना है आपको टोटल करना है, तो राइट इन द वर्ड्स, वर्ड्स में लिखना है तो क्या लिखेंगे 15 रुपीज।